नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। दोस्तों आज का टॉपिक है कि मौत तो आती ही होगी। बहुत ही गहरा टॉपिक है। अगर किसी को बुरा लगे तो आई एम सॉरी। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों मौत एक सच्चाई है, इसको कोई भी झुठला नहीं सकता। जीवन में जिस तरह से जन्म सच्चाई है, उस तरह मौत भी सच्चाई है। जैसे इंसान जन्म लेता है, मौत निश्चित है, क्योंकि शरीर तो पंच महाभूत का बना हुआ है, एक दिन गिरेगा। कैसे गिरेगा पता नहीं, कहाँ पर पैदा हुए पता नहीं, कैसे मरेंगे पता नहीं, बस जिए जा रहे हैं। खुशी की चाह में मरे जा रहे हैं। कहने की बात यह है कि जितना भी आप कोशिश कर लो, मौत से छुटकारा संभव नहीं। मौत तो कभी भी आती होगी, हो सकता है आज शाम को ही आ जाए। कितने लोग रोज रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं, कितने लोग बैठे बैठे ही मर जाते हैं, हार्ट अटैक से मर जाते हैं, कितने लोग रात को सोते हैं सुबह उठ ही नहीं पाते। तो ये सब क्या है, ये सब कुदरत का ही खेल है दोस्तों। मौत तो आनी है। अभी अभी देखो, रिसेंटली रतन टाटा जी की मृत्यु हो गई। काफ़ी उम्र थी उनकी। अभी देखो गोली मार कर बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई। अभी एक कॉमेडियन है अतुल, उनकी भी मौत हो गई। छोटी सी उम्र थी, 57 इयर्स थी। तो जीवन का कोई भरोसा नहीं दोस्तों, कब क्या हो जाए कुछ बोल नहीं सकते। इसीलिए प्रेजेंट में जियो दोस्तों। ज़्यादा पैसों के पीछे अगर आप पागल बनोगे तो जीवन को खो दोगे। पैसे चाहे कितना भी कमाओ कम ही पड़ेंगे। चाहे आप 10,000 कमाओ, महीने के 10 लाख कमाओ, चाहे महीने के 1 करोड़ कमाए, ये भूख कभी ख़त्म नहीं होती है। और जैसे जैसे इंसान पैसों के पीछे पागल बनता है, वैसे वैसे ही उसकी आत्मा भी घायल हो जाती है। और सही मायनों में उसके अंदर प्रेम जो है, प्रेम का तत्व कम हो जाता है, क्योंकि जो उसका मन बन चुका है पैसे कमाने का, वो प्रेम को मार ही देता है। फिर वो केवल पैसों का ही सौदागर होता है, फिर उसके लिए फैमिली कोई मैटर नहीं करता। पहले लगता है कि फैमिली के लिए कमाना चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन जैसे जैसे बहुत पैसे कमाने लगता है ना, वो आदमी शैतान बन जाता है। उसको केवल पैसा ही दिखता है, वो रिलेशनशिप सब भूल जाता है, भाई उसे, बहन से, बाप से, माँ से, पत्नी से, बच्चे से, ये रिलेशनशिप को ख़त्म कर देता है। बड़े बड़े लोग देखा, इंडस्ट्रीज लोग आपने देखा होगा कैसे लड़ाई करते हैं, भाई भाई लड़ाई करता है बिजनेस के लिए। तो छोटे लोगों की क्या औकात है। तो जीवन में दो चीज़ हमेशा याद रखो, कम खाओ और कम कमाओ। कम कमाने का मतलब भगवान ने जितना दिया है उस पर खुश रहने की कोशिश करो। कोई भूखा तो नहीं रखता भगवान, लेकिन जितना तुम ज़्यादा पैसों के पीछे भागोगे उतना ही तुमको ज़्यादा बीमारी घेर लेंगे। फिर क्या करोगे उस पैसे का। पहले के ज़माने में लोग कहाँ इतना पैसा कमाते थे, लेकिन आराम से 80-90 साल जीते थे, आराम से एंजॉय करते थे वो लोग। इसीलिए कम कमाओ और खुश रहने की कोशिश करो। जय हिंद, वंदे मातरम।